हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब कुकिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रेनू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ब्रोकली नूडल्स की रेसिपी, जिसे आज मैं घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कटी हुई ब्रोकली, जिसे हमने इस तरह से काट कर ले लिया है, एक कटा हुआ गाजर, थोड़ा सा कटा हुआ पत्ता गोभी, एक कटी हुई शिमला मिर्च, एक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, एक टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 4 से 5 कटा हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्च कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल और बॉयल नूडल्स। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है लोहे की कढ़ाई, जिसे हमने गैस पर चढ़ा दिया है और इसे अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल, इसमें हम डाल देंगे ब्रोकली, थोड़ा सा डाल देंगे नमक और इसे हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ब्रोकली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ लहसुन, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी देर इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, थोड़ी देर इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटी हुई गाजर, गाजर को हम थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे। गाजर अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ शिमला मिर्च, कटा हुआ पत्ता गोभी और सब्जियों को हम थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, 1 से 2 मिनट इसे हम फ्राई करेंगे। इसमें हम डाल देंगे बॉयल नूडल्स, साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। काली मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए हम नूडल्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नूडल्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसमें हम डाल देंगे फ्राई की हुई ब्रोकली और 1 से 2 मिनट इसे हम और फ्राई कर लेंगे। तो नूडल्स हमारे बनकर तैयार हैं, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसमें डाल देंगे स्प्रिंग अनियन और अब हम अपने नूडल्स की प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ब्रोकली नूडल्स बनकर तैयार है और ये देखने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लग रही है। तो आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।